उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से खजर अंसारी की रिपोर्ट। शिवसेना के कारकुन जिले के कलेक्ट्रेट में जमा हुए और रामलीला में इस साल बिजली की फराहमी ना करने पर जिले हेडक्वार्टर पर भरपूर मुजाहरा किया, जो जिले में 55 साल से जारी है। उन्होंने कहा कि मैंने रियासती हुकूमत पर गफलत बरतने, इंतजामी ऑफिसर को मेमोरेंडम देने और रामलीला में बिजली की फराहमी बहाल करने का मुतालबा करने का भी इल्जाम लगाया। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो राम जन्मभूमि की बहुत बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बात है कि राम जन्मभूमि पे मुख्य आंदोलन हुए और आज राम जन्मभूमि पे एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन रामलीला के मंचन में मुरादाबाद में जब 85वीं वर्ष रामलीला हो रही है, जिस रामलीला पे समस्त हिंदुओं की आस्थाएं हैं और समस्त क्षेत्र के लोग वहाँ जाते हैं, उस रामलीला में आप लोगों के द्वारा समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आम जनमानस के द्वारा वहाँ आपने परिस्थिति देखी कि वहाँ पर रामलीला मंचन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है। बिजली की जगह जो वहाँ पर हमारे पूजनीय है श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी और समस्त जो लोग हैं वो मोमबत्ती लेकर के ये और धरने पे बैठे हैं कि बिजली दी जाए, तो ऐसे और अधिकारी आज भी इस पे आराम से अपनी बिजलियाँ जलाए हुए हैं और हमारे जो इतना बड़ा रामलीला रोक दी गई इस पे नहीं है। इसको अविलंब अधिकारियों को करना पड़ेगा, नहीं तो हम बिजली विभाग से लेके सब जगह धरना प्रदर्शन लड़ाई लड़ेंगे और इसमें भ्रष्ट अधिकारियों की हम चाहेंगे इन पे जांचो और इनके साथ जो भी हो एक जांच के अनुसार इनको निलंबन कराए। अच्छा, ये जो बिजली की समस्या है ये केवल इसी साल आई है या पहले भी? पहली बार देखी हमने ये बिजली की समस्या, इससे पहले होती थी बिजली की व्यवस्था? अभी भी ऐसी बिजली की। तो बिजली विभाग के अधिकारी से बात की आपने? बिजली के जिलाधिकारी मुख्य है ना, जब भी शहर के अंदर कैसी कोई स्थिति हो जाती है बिजली विभाग के अधिकारियों की मीटिंग तो दो दिन पहले भी आपने देखा, जिसमें सारे हमारे विधायक भी थे, हमारे सांसद महोदय भी थे, बिजली विभाग की मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग के बाद पता नहीं क्या तय हुआ कि कितना पैसा किधर बंटना ये तय हुआ, या बिजली नहीं देनी ये तय हुआ, या रामलीला में बिजली नहीं देनी ये वाली बात तय हुई। उसको देखो आप, रामलीला में बिजली न देना और रामलीला रुक जाना ये बहुत ही गंभीर विषय है और हिंदुओं की आस्था के ऊपर पूरा प्रश्न चिन्ह है और हम इस पे कहीं भी किसी तरह से बर्दाश्त शिवसेना नहीं। क्या कदम रहेगा आगे आपका? हमारा ये कदम रहेगा, आज बात हुई है, इन्होंने कहा हम बिजली अधिकारी को बुला रहे हैं, रामलीला मंचन के लोगों को बुला रहे हैं, शाम तक हमसे एक बार वार्ता कर लिए, नहीं होगी तो शिवसेना इसमें कल जबरदस्त तरीके से इनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी, भूख हड़ताल अनशन करना पड़ा तो करेगी। ठीक, लेकर के बैठे हुए हैं और अधिकारी आज तक भी रामलीला में बत्ती का वो नहीं कर पाया, तो अधिकारी भी अपनी बत्तियां बंद कर लें सबसे बेहतर है ना, कि भाई वहां बत्ती नहीं तो यहाँ बत्ती क्यों, अधिकारी भी बत्ती बंद कर लेता। बहुत टाइम चल रही है, कम से 85 साल से रामलीला चल रही है ये और आज तक लगातार निर्रात विद्युत कनेक्शन जो है उपलब्ध कराया जाता है रामलीला के लिए। आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रामलीला के लिए अस्थायी या स्थायी कोई भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है और जो कलाकार है वो अनशन पर बैठे हुए हैं वहाँ पर। शिवसेना के लोग हैं ना, हमारे संज्ञान में ये लाया गया है वहाँ पर कि पूर्व में तो ये होता था कि कनेक्शन लोग लगाते थे, कनेक्शन बहुत टाइम से कम 60-70 साल से चल रही हुआ।